देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए भारत की सबसे सस्ती और छोटी कार ऑल्टो को बिल्कुल नए अंदाज और नए लुक के साथ लाने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। आप लोगों ने सही सुना, भारत में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो 2023 का इंतजार काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस कार को 2023 में हुए ऑल्टो एक्सपो के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। कॉन्सेप्ट मॉडल में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को देखने के बाद से हर कोई इस कार का दीवाना होते चला आ रहा है, क्योंकि भारत में ऑल्टो पहली बार अपने हैचबैक रूप को पीछे छोड़ के आगे निकल चुकी है। यानी स्मार्ट जमाने के साथ कंपटीशन को देखते हुए भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कारों का चलन काफी लंबे समय से देखा आ रहा है और हर कंपनियां एक के बाद एक शानदार माइक्रो एसयूवी कारें लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। वहीं भारत की सबसे पॉपुलर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी अपनी पहली माइक्रो एसयूवी ऑल्टो से शुरुआत मार्केट में करने वाली है। यानी ऑल्टो को हैचबैक रूप से चेंज करके एक एसयूवी अंदाज में लाया जा रहा है, जो कि आपके 5 लाख रुपए से कम के बजट में एक कार लेने के साथ ही साथ एसयूवी कार लेने का सपना भी पूरा करना चाहती है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मार्केट में कर लेते हैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो के लुक से लेकर डिजाइन की बात, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रही है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को टेस्टिंग के दौरान भी भारत की सड़कों पर देखा जा चुका है और ये कार पूरी तरीके से हैचबैक डिजाइन के चलते चेंज हो चुकी है। फाइनली मार्केट में आने वाली ऑल्टो को पूरा एसयूवी अंदाज मिल चुका है। तो वीडियो में अपने साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो कितने बदल चुकी है। फ्रंट से लेकर पीछे के मामले में इस कार को चौड़ा डिजाइन किया गया है। पुराने मॉडल के मुकाबले ये कार चौड़ी और लंबी भी नजर आ रही है। फ्रंट से देखें तो ऑल्टो के अंदर आपको बोरिंग हेडलैम्प्स नहीं बल्कि एलईडी स्लिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन वो भी खूबसूरत अंदाज में ऑल्टो जैसी कार को और भी ज्यादा शानदार बना रही है। साथ ही साथ फ्रंट में आपको न्यू रेटिनाइन अपडेट ग्रिल क्रोम फिनिशिंग के साथ मैट ब्लैक ऑप्शन में ऑल्टो जैसी कार को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑल्टो के अंदर आपको अब एक खूबसूरत स्पोर्टी लुक वाले बंपर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी हद तक इस ऑल्टो को स्पोर्टी लुक बना देता है। साथ ही साथ कार के फ्रंट में आपको फॉग लैंप की प्रणाली भी ऑल्टो जैसी सेगमेंट की कार में मिल जाती है। साइड प्रोफाइल पे गौर करें तो देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अब टायर साइज को बड़ा रखा गया है, जिसके चलते इस कार में आपको बड़ा फील आने वाला है। इस कार में अब आपको 17 इंच के अपडेट किए गए बड़े टायर्स कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे कार का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी हद तक ऊंचा हो जाता है। अब चाहे पथरीले रास्ते हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी तंग रास्तों पर आपको ऑफ रोडिंग वाला मजा आपकी चहेती कार ऑल्टो से ही मिलने वाला है। साथ ही साथ ऑल्टो में आपको नए बदलाव दिखाए जाए तो देख पा रहे हैं कि कार में अब आपको न्यू हैंडल बार क्रोम फिनिशिंग के साथ मैट ब्लैक ऑप्शन में दिखाई देते हैं। ऑल्टो जैसी सेगमेंट की कार में आपको दोनों साइड विंग्स में एक्शन कैमरे की प्रणाली भी मिल जाती है, जो कि ऑल्टो को मार्केट में वाकई में ही खास बना देती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को पूरी तरीके से 15 नए कलर कॉम्बिनेशन और डुअल टोन थीम पे लाया गया है। ओवरऑल लुक के मामले में तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो पूरी तरीके से बड़ी और चौड़ी नजर आ रही है। यानी इस कार में 5 से 6 लोग तो आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं। तो यहाँ तो कर ली हमने भारतीय बाजार में आने वाली 2023 ऑल्टो के लुक से लेकर डिजाइन की बात, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। आखिरकार ऑल्टो का लुक पूरी तरीके से बदला जा चुका है। स्मार्ट जमाने के साथ ऑल्टो को चाहने वाले भारतीय बाजार में एसयूवी ऑल्टो को अब लेने वाले हैं। इस कार को मार्केट में 2005 से बेचा जा रहा है और ये आज भी 2023 में पहली बार हैचबैक रूप से बदली जा चुकी है। यानी स्मार्ट लोगों के लिए ऑल्टो को एसयूवी अंदाज फाइनली मिल चुका है। जितना कार को बाहर से खूबसूरत और इतने शानदार लुक के साथ अपडेट किया गया है, उतना ही कार के अंदर एक बेहतरीन इंजन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आखिरकार ऑल्टो की अब बात कर ली जाए इंजन तथा पावर के बारे में, ऑल्टो के अंदर कौन से इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 800 सीसी के इंजन को ऑल्टो से हटा दिया गया है। यानी अब ऑल्टो और भी ज्यादा तगड़े इंजन ऑप्शन के साथ दिखाई जा रही है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में पहली बार ऐसा बड़ा बदलाव हो रहा है कि इस कार में आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार में आउटपुट की बात करें तो ऑल्टो अब प्रति लीटर में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देने वाली है। इस कार का आउटपुट भारतीय बाजार में 82 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 120 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में 5 स्पीड EMT, 5
स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात कर ली जाए तो भाइयों भारत में मारुति सुजुकी की कारें तो सबसे ज्यादा माइलेज देती है। इन कारों का माइलेज एक बाइक के बराबर कहा जाता है। ऑल्टो तो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज के लिए ही तो जानी जाती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का ऑल्टो का माइलेज आपको प्रति लीटर में 28 से लेकर 32 के आसपास बताया जा रहा है, जो कि है ना कमाल की बात है। जितना कार को बाहर से खूबसूरत और इतने शानदार इंजन ऑप्शन के साथ लाया जा रहा है, उतना ही नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में फीचर्स और इंटीरियर की भरमार आपको देखने को मिलने वाली है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 फेसलिफ्ट ऑल्टो के अंदर आपको 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कार को मार्केट में कई सेगमेंट की कारों से खास बना देते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर ली जाए नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात, तो साफ साफ वीडियो में देख पा रहे हैं कि आपकी नई नवेली ऑल्टो के डैशबोर्ड को ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ वुडन का टचअप दिया गया है, जो कि काफी शानदार ऑल्टो को बना रहा है। दोनों साइड देखें तो ऑल्टो के अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ बिल्कुल नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन आने वाली 2023 ऑल्टो में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सेंट्री कंसोल की शान बढ़ाने वाला ऑल्टो जैसी कार में आपको 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम से लेकर वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे बेहतरीन फंक्शंस को AI द्वारा अपनी कार में ऑपरेट किया जा सकता है। आने वाली ऑल्टो स्मार्ट माने के साथ स्मार्ट हो चुकी है, जिसके कारण इस कार में आपको फीचरस डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में आपको इतना ही नहीं, इस कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन और हार्मन्स के पूरे 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को ऑल्टो में दीवाना बनाने वाले हैं। मार्केट में आजकल हर कोई कार लेने से पहले अपने सुरक्षा के ऊपर काफी ध्यान देता है और स्मार्ट जमाने के साथ कंपनियां भी स्मार्ट हो चुकी है, जिसके चलते इन कारों में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। भारत की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की कारों को आज तक 3 का डब्बा कहा जाता था, मगर वो समय चले गया। मार्केट में अब ऑल्टो जैसी सेगमेंट की कारों को स्मार्ट बना दिया गया है, जिसके चलते मारुति सुजुकी अपने सेगमेंट की कारों के लिए सेकेंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, मारुति सुजुकी की ऑल्टो को भी इसी प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। जनरेशन ऑल्टो को 5 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग कीमत की वेरिएंट के साथ इस कार को पूरे 3.30 लाख रुपीस एक्सट्रीम प्राइस के साथ लाया जा रहा है। तो देरी की इस बात की, 5 लाख रुपए से कम के बजट में एक SUV कार लेने का सपना वो भी इस दिवाली के मौके पर पूरा करने के लिए कमेंट बॉक्स का जल्दी से इस्तेमाल कीजिए। अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।